लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ सब पीजी स्टूडेंट्स यूजी स्टूडेंट्स और हाउस सर्जन यहाँ पर गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज में मुसलसल 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा और बिल्कुल 2 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे है और इसी वजह से कल रात में एक सीन हो गया यहाँ पर कि बच्ची अनकॉन्शियस हो गई और उसको शिफ्ट करना पड़ा हॉस्पिटल को उस्मानिया को ले जाया गया। आज सुबह से 2 बच्चियों को यही हालत है, बच्चों की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही और यहाँ पर कोई भी आके हायर अथॉरिटी हमसे नहीं पूछ रही क्या चल रहा, हायर अथॉरिटीज़ हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जबकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का प्रोटेस्ट कंटिन्यूस 10 दिन से चल रहा। हमारे खुद के हायर अथॉरिटीज़ का ये बोलना है, आज हमारी हरीश राव साहब हेल्थ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई और उनका भी यही बोलना है कि मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है, आप सीधा दिल्ली चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए, आप बच्चों को बोल रहे हैं दिल्ली जाइए, आप बच्चों को बोल रहे हैं कोर्ट से आइए, फिर आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट रनिंग बॉडी क्या कर रही है यहाँ पर, हम लोग का ये क्वेश्चन है। हम लोग को ये जानना है कि हंगर स्ट्राइक से जब एक तेलंगाना एक इंसान अकेले आगे आके तेलंगाना को जितवा सकता तो हम भी उसी नक्शे कदम पर चलकर हंगर स्ट्राइक कर रहे और हम भी हंगर स्ट्राइक करते हुए हम ये अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्यों आगे नहीं आ रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही कि हमारे साथ यहाँ पर क्या नाइंसाफ़ी हो रही। आप हम सब की रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए और देखिए कि हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, हमारे साथ सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, हर पॉलिसी से हमको निकाला जा रहा, हर तरह के हमारे पास एक ही कॉलेज रख दिए चार पूरे हैदराबाद में, यहाँ पर तेलंगाना में यूनानी के लिए, आप कॉलेजेस में हमारा इंक्लूजन नहीं हो रहा, एम्स में हमारा इंक्लूजन नहीं हो रहा, हमारा खुद का एक सेंट्रल बोर्ड नहीं है, था सो बोर्ड हमारा डिसॉल्व करवा दिया गया, क्यों हमारी जड़ें कमज़ोर की जा रही, क्यों हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हर लेवल पर, यह हमारा सवाल है। NHM का रिसेंट गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग में हमारे को आयुष को लेते बोल के पॉलिसी थी लेकिन जब गाइडलाइंस आप तैयार करें तो सिर्फ आयुर्वेदा वालों को आगे लिए और जब फिर 2021 में हमारी ज़रूरत थी आपके सीट्स वैकेंट थे फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, आप कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता के हमको ले लिए लेकिन 2022 में फिर आप किस बेसिस पे हमको सडन टर्मिनेट करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले लेने का क्या था और बाद में निकालने के बाद आप बोल रहे कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं, किस बेसिस पे हमको निकाला जा रहा, अब ऐसा क्या नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिज़ाइन करें ये हमको जानना है, गवर्नमेंट हमको इसका क्लैरिफिकेशन देना। ये प्रोटेस्ट देखिए, बच्चे यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे के नीट लिखकर अपने 7 इयर्स 9 इयर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर दे रहे और इसके बावजूद फिर हमको ये देखना पड़ रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, आगे जाके आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिस्टम आप जो पढ़ रहे इसका कोई स्कोप नहीं, होटल मैनेजमेंट वाले बोल रहे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम आगे आके नहीं बोल सकते। आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है आप नहीं बोल सकते तो फिर बच्चों की आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा, आप सबको बच्चों की आवाज़ सुनना पड़ेगा, स्टूडेंट राइट है हमारा, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे और हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमको इंक्लूजन नहीं मिलता NHM की पॉलिसी में, इंक्लूजन नहीं मिलता एम्स कॉलेजेस में, इंक्लूजन नहीं मिलता हमको जब तक कि प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे हक में पूरे जारी होना सेंट्रल से, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये 3 बच्चे अनकॉन्शियस है, भले उनकी कंडीशंस कैसी है? डिट्रियोरेट है उन लोग की हेल्थ, काफ़ी डिट्रियोरेट हो रही, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं होने की वजह से उनको OGH शिफ्ट किया गया अभी।